नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, रसोई घर में रखे तवे पर यह चीजें कभी नहीं बनानी चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, शनिदेव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती हैं और आती है दुष्ट गरीबी। दोस्तों, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। माता अन्नपूर्णा के लिए एक लाइक तो बनता है। माता अन्नपूर्णा को अपने घर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ अन्नपूर्णा जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे घर में अगर बर्तनों की बात करें तो रसोई घर में रखा तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए घर की महिलाओं को तवे से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। खास तौर पर घर की महिलाओं को तवे पर यह चीज कभी नहीं बनानी चाहिए। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं, घर में गरीबी आ जाती है। तो जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, तवा राहु का प्रतिनिधित्व करता है। उस पर कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा तो रोटी बनाई जाती है। कई लोग जाने अनजाने में तवे पर पानी गर्म करते हैं, जिसे घोर अनर्थकारी माना जाता है। इससे राहु केतु नाराज हो जाते हैं और जलते तवे पर जब पानी छन्न करके आवाज करता है, ऐसी महिला के ऊपर कष्ट आते हैं जिसने तवे पर पानी डाला हो। ऐसे में उसका वैवाहिक जीवन सब बर्बाद हो जाता है। इसकी वजह से धीरे धीरे उस महिला के कारण परिवार पर कष्ट आने लगता है। ऐसे में शनिदेव अपनी बुरी दृष्टि परिवार पर डाल देते हैं, क्योंकि लोहे का संबंध सीधे तौर पर शनि से होता है। इसलिए गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। पहले उसे ठंडा होने दें, तभी उस पर पानी डाला जा सकता है। फिर अच्छे से तवे को साफ कर उसे किसी कोने में छिपा कर रख दीजिए। दोस्तों, अगर आप यकीन नहीं करते तो गर्म तवे पर पानी डालकर देख लीजिए। अगले दिन से ही आपके ऊपर कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। राहु केतु शनिदेव आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, घर में माता अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने के लिए, शनिदेव और राहु केतु को खुश करने के लिए और माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, रसोई घर में आप जब भी रोटी बनाएं तो सबसे पहले तवे को धोकर ही इस्तेमाल करें। रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक डाल दें। विशेष ध्यान रखें कि नमक के साथ अन्य कोई मसाला जैसे कि हल्दी, मिर्च, कोई मिला हुआ मसाला ना हो। ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। जब तवा पुराना हो जाए तो टूट जाए तो उसे शनिवार के दिन घर से निकाल दें। हर रोज रोटी बनाते समय पहले एक छोटी रोटी बनाएं और उसे किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां उसे कोई जानवर या पक्षी खा ले। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म हो जाती है। सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, गैस के चूल्हे पर कभी भी खाली तवे को नहीं छोड़ना चाहिए, इससे घर में धन की कमी होने लगती है, गरीबी अपना वास धीरे धीरे बना लेती है। दोस्तों, खाना बनाने के बाद तवे को अच्छे से धोकर छुपा कर रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हो जाएं सावधान। अगर आपके घर में भी है ऐसा तवा तो पूरा आपका घर बर्बाद हो सकता है। घर में गरीबी आने का यह सबसे बड़ा संकेत है। तवे को कभी भी ऐसा ना होने दें, नहीं तो पूरा घर कभी भी कंगाली में जा सकता है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। नंबर एक, तवे को उल्टा रखना पड़ जाता है भारी। हिंदू धर्माचरण के अनुसार तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा तब रखा जाता है जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात इसका मतलब है उस समय तवे का उपयोग घर में वर्जित माना गया है, यानी घर में खाना नहीं बनता, इसलिए तवा उल्टा किया जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति वे वक्त तवे को उल्टा रखता है तो यह उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए तवे को कभी भी उल्टा ना रखें, तवे को सीधा रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर दो,
ज्यादा लंबे समय से पुराने तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुराना तवा जंग उत्पन्न करता है, इसके अवशेष खाने में जाकर खाने को दूषित करते हैं। ऐसे में आपके बच्चे या परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई भयंकर बीमारी लग सकती है। लंबे समय से टूटे हुए तवे पर खाना बनाने से दोष लगता है, जिसकी वजह से आप कभी धनी नहीं बन सकते। ऐसे में आपका गरीब होना तय है। नंबर 3, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा नहीं कहना चाहिए। इन पर झूठी सामग्री कभी ना रखें। इन दोनों बर्तनों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन आगमन उतने ही आसानी से हो पाएगा। घर के सभी बर्तनों में ये दोनों बर्तन बहुत ही सम्मान योग्य माने गए हैं। नंबर 4, यह कार्य हमेशा हमारे घर में होता है और आप भी इसे अवश्य करें। ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए, अन्नपूर्णा का पास हो जाने के लिए पहली रोटी जो व्यक्ति गाय माता के लिए बनाता है और उसे अपने हाथ से खिलाता है, माता अन्नपूर्णा सदैव उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवता एक साथ वास करते हैं। गाय को रोटी खिलाने वाला व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ यह गलती कभी मत करना, वरना आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, इससे मान सम्मान की होगी हानि। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी ना करे यह काम। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें, महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बड़े बच्चे या बुजुर्ग किसी को भी थाली में एक साथ 3 रोटियां परोसकर नहीं दें। 3 रोटी तब निकाली जाती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। जेल में कैदियों को भी 3 रोटियां दी जाती हैं। 3 रोटियां अशुभ मानी जाती हैं। जो 3 रोटियां निकालकर खाता है, उस पर नकारात्मकता का संचार होता रहता है। इसलिए किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां लेकर नहीं खानी चाहिए। अगर खानी ही हो तो एक एक करके आप 3 रोटियां लेकर खा सकते हैं, लेकिन एक साथ 3 रोटी ना लें। अक्सर महिला खाना बनाते समय यह गंदा काम कर देती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। किसी भी महिला को पहले तो दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय इधर उधर नहीं खुजाना चाहिए। अपने कान में हाथ डालते हैं, नाक में, बगल में, बालों में, यहाँ तक कि वह अपने नीचे अंगों को खुजा लेती हैं, जिसके कारण बनने वाला खाना दूषित हो जाता है। और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है, निश्चित तौर पर उसे राहु केतु का सामना करना पड़ता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है, इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं, तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथ से बना खाना खाने से घर का हर सदस्य बीमार पड़ सकता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे धन की हानि होती है। घर में अन्न की कमी हो सकती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जब रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी हमेशा गाय को खिलानी चाहिए और आखिरी कुत्ते को। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न के भंडार से भरी रखेंगी। जो व्यक्ति ऐसा नियम बनाकर चलता है, उसे कभी भी पराजित नहीं होना पड़ता और वह नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता। तो सच्चे दिल से बोलें जय माँ अन्नपूर्णा। आपके घर में माँ कभी भी अन्न की कमी ना होने दें। माँ के नाम पर एक लाइक तो बनता है। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।